आज के ट्रेड के बारे में बात करेंगे। आज का ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट किया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, और आज के दिन जो मैंने ट्रेड आपको दिया था उस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर निफ्टी का चार्ट लग रखा है। दो ट्रेड आज के दिन निफ्टी में किया और एक ट्रेड मैंने यहां पर बैंक निफ्टी में किया था। तो दोस्तों सारा ट्रेड कहां पर किए, क्या लॉजिक था, सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज के दिन सबसे पहला ट्रेड दोस्तों यहां पर मॉर्निंग में मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ, डाउन साइड आया और जैसे यहां पर देखेंगे अपना जो लेवल था 800 का लेवल, इस लेवल के आसपास आया। और दोस्तों यहां पर देखिए जो तीसरी 5 मिनट की कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल यहां पर रेड बन रही थी तब भी मैंने यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और यहां पर अपने को इस लेवल के आसपास 40 के आसपास आया और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। ओनली 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था मॉर्निंग के अंदर। ये सबसे पहला ट्रेड मैंने आपको बताया था और टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया था, इसमें आई थिंक काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। टोटल प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वीडियो का एंड में मैं आपको बता दूंगा, तो वो देखेंगे आप। तो सबसे पहला ट्रेड यहाँ पर आज के दिन अपने को देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों दूसरा ट्रेड की बात करेंगे तो सेकंड ट्रेड मैंने आपको दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर मैंने आपको सेकंड ट्रेड दिया था। और दोस्तों ये ट्रेड जब यहाँ पर 780 के आसपास आया था, 800, 780 और दोस्तों 820, ये तीनों के तीनों एक सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट जोन के अंदर जब मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ से देखेंगे बाउंस बैक करता है और यहीं से देखेंगे मार्केट सडनली इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 1800 क्वांटिटी के अंदर। और दोस्तों ये मैंने ट्रेड आपके साथ भी शेयर किया था और आपने भी अगर एक लोट में ट्रेड किया होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा और सडनली मार्केट देखेंगे अपसाइड में गया। मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड कौन से मैंने आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए दिए थे। यहाँ पर देखेंगे ये ट्रेड है, ये अपना है टेलीग्राम ग्रुप, ये मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था 780 के पास आने दो, अपन वापस इसको बाय करेंगे। तो मैंने इस कैंडल में ही बाय किया था, मैंने रिस्क लिया था क्योंकि दोस्तों आपको मैं रिस्क में नहीं डालना चाहता था। अभी दोस्तों यहां पर देखेंगे ये मॉर्निंग का इसमें प्रॉफिट हुआ था, 36,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था। अभी यहां पर देखेंगे मैंने वापस बाय किया था और 102 पे आपको दिया था और यहां पर सडनली देखेंगे एक मोमेंटम मिला, ठीक है, आपको दिया था तब ये कितना चल रहा था, 102 पे मैंने बाय किया था और 103 104 के आसपास चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 102 से 112 गया था एक ही कैंडल के अंदर सडनली, और यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे इसमें देखेंगे 11,000 चल रहा था और इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे 23,000 चला था और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे 23,000 यहाँ पर प्रॉफिट चला था। तो ये ट्रेड मैंने आपको दिया, एक सक्सेसफुल ट्रेड था और इस ट्रेड में भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। और आपको पूछा था मैंने आपने कोई ट्रेड लिया या फिर नहीं लिया, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक ट्रेड आपको दिया था, एक ट्रेड मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में लिया था, स्कैल्पिंग करी थी, इस ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। इस दो कैंडल में ओनली 10 मिनट के अंदर अपने को यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, 36,000 का प्रॉफिट इसमें हुआ था यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी के अंदर भी कहाँ पर लिया था मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए ये जैसे 980 के आसपास जैसे चल रहा है मार्केट, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी के अंदर, इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये 900 का एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने। और यहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों 900-800 का ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, इस सपोर्ट जोन से नीचे नहीं जाएगा मार्केट और यहीं से देखेंगे अप साइड में गया। और यहाँ पर क्या हुआ, हालांकि मेरा ट्रेलिंग जो SL था वो हिट हो गया था, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। तो ये जो माइंड सेट था मेरा वो ये था कि आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट लेता है, डाउन साइड की तरफ आता है और फिर अपसाइड में जाता है। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद अपसाइड में ही ट्रेड करता है तो अपने को यहाँ पर वेट करना होता है, ट्रेड नहीं करना होता है। जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लेता है, कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं करता है, तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना होता है। यहाँ पर वही सीन हुआ था, जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ डाउन साइड आया 9 EMA 20 EMA के आसपास और अपने सपोर्ट के आसपास आया, और जैसे सपोर्ट के आसपास आया तो यहां पर मैंने ट्रेड बनाया और अपने को एक अपसाइड का मोमेंटम मिला। उसके बाद वापस 20 EMA के आसपास और अपने सपोर्ट के पास आया 780 के पास, तो यहां पर मैंने आपको ट्रेड दिया था, दो कैंडल के अंदर 5 मिनट के अंदर ही काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो कंटिन्यू इसमें भी मेरा ट्रेलिंग SL हिट हुआ था, इसमें मैंने ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था। ओवरऑल दोस्तों इसके बाद देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट कर ही रहा है, अभी मार्केट की क्लोजिंग आने वाली है
तो यहाँ पर क्लोजिंग देने वाला है मार्केट। बट दोस्तों मार्केटिंग देखें, मार्केट देखेंगे इस 40 से 50 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ज्यादा बड़ा मोमेंटम ही नहीं कर रहा है। और दोस्तों इस मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट कर रहा है वो प्रो ट्रेडर बनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये 40 पॉइंट के अंदर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो वो ट्रेडर डेफिनेटली है, और दोस्तों उसे एक प्रो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट इतनी सी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बाकी दोस्तों आज के दिन मेरे को आई थिंक 42,000 प्लस का प्रॉफिट देखने को मिला है, 42,000 प्लस का प्रॉफिट है, काफी अच्छा प्रॉफिट है, और डेली के डेली प्रॉफिट अपना ग्रो ही हो रहा है और डेली के डेली प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही डेली के डेली प्रॉफिट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए, अदरवाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू।